हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईओन टेक। काफी लोग बिजनेस पर्पस या सैलरी अकाउंट की प्राइवेसी बनाए रखने के लिए कई बैंकों में अकाउंट खोल लेते हैं। एक और कई बैंकों में अकाउंट के कुछ फायदे हैं तो वही इसके बहुत से नुकसान भी होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कई बैंकों में अकाउंट खोलने के कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब में रखना होगा मिनिमम बैलेंस। आपके जितने भी बैंक अकाउंट होंगे सब में मिनिमम बैलेंस रखना होगा। कुछ दिन पहले बनाए गए सरकारी नियमों के बाद सभी बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी हो गया है। ऐसा न करने पर आपको फाइन भरना पड़ सकता है। ट्रांजैक्शन अलर्ट के चार्जेस। बैंक के ग्राहकों को कई तरह के चार्जेस देने पड़ते हैं। इन चार्जेस में एनुअल मेंटेनेंस, मंथली स्टेटमेंट चार्ज, SMS अलर्ट चार्ज आदि शामिल होते हैं। आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट हैं उन सभी अकाउंट पर बैंक आपसे ये चार्जेस वसूल करते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का फी। ज्यादा बैंक अकाउंट यानी उतने ही डेबिट और उतने ही क्रेडिट कार्ड्स। इन सारे कार्ड्स से बैंक चार्जेस वसूल करते हैं। यहाँ पर आपको बिना किसी कारण आपको ज्यादा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड को याद रखना होगा। आपके जितने बैंक अकाउंट होंगे सभी के पिन, यूजर नेम, पासवर्ड को याद रखना होगा, जो कि सच में एक मुश्किल का काम हो सकता है। अगर आप एक भी पासवर्ड भूलते हैं तो आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई बार गलत पासवर्ड एंटर करने से आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आप आ सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपको सारे अकाउंट की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होता है। अगर आप किसी भी अकाउंट की जानकारी नहीं दे पाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।